कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के लिए रियासती खजाने के गलत इस्तेमाल की सख्त मजम्मत की। शब्बीर अली ने एक सहाफती बयान में कहा कि तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी टिमरी ने 16 फरवरी को एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें तमाम स्कूलों के प्रिंसिपलों से कहा गया कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर की सालगिरह के सिलसिले में प्रोग्राम्स मुनक्किद करें। हर स्कूल को 10,000 रुपये की मंजूरी दी गई जिससे स्कूलों में मिठाई की तकसीम, तफरीही खेल और अवार्ड्स तकरीब मुनक्किद की जाए। इन स्कूलों से कहा गया कि वो तेलंगाना की तश्कील में चीफ मिनिस्टर केसीआर के किरदार और मिशन भागीरथा, पले प्रगति, कालेश्वरम लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट और दीगर फलाही स्कीमात के इकदाम पर तबादला ख्याल करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करें। कांग्रेस लीडर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की सालगिरह मनाने के लिए रियासती खजाने से खर्च की गई रकम अवामी पैसे का खुलेआम गलत इस्तेमाल है। चीफ मिनिस्टर की सालगिरह के लिए टैक्स दहिंदगान का पैसा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगाया कि वो टीआरएस का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अखिलियती तालीमी इदारों बशमूल सरकारी स्कूलों और दीगर इदारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे टिमरीस और दीगर समाज में बूत के स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्हें मुनासिब तालीम देने के बजाय हुकूमत उन्हें झूठ फैलाने के प्लेटफॉर्म के तौर पर गलत इस्तेमाल कर रही है।